5 लाख रुपए तक की इनकम पर जो स्लैब लगता है वो लगता है 2,50,000 रुपए तक की इनकम पर टैक्स होता है निल, और अगले 2,50,000 पर जो टैक्स बनता है वो 5% के हिसाब से बनता है 12,500 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ नए कानून के हिसाब से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपका जो टैक्स 12,500 रुपए बनता है उसको सेक्शन 87A में माफ कर दिया जाएगा, रिबेट कर दी जाएगी, तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स होगा वो होगा जीरो। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो आपका टैक्स हो जाएगा शून्य। मगर आपकी इनकम अगर 5,10,000 रुपए है तो इसका मतलब ये हुआ पहले 2,50,000 पर जो टैक्स लगेगा ये लगेगा निल, अगले 2,50,000 पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 5%, मतलब 12,500, और बाकी के 10,000 पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%, मतलब 2,000। तो अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5,10,000 रुपए है तो इस पर जो टैक्स बनता है वो होगा 14,500 रुपीज। और क्योंकि 87A की कंडीशन है, रिबेट तभी मिलेगी अगर इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करती है। तो क्योंकि आपकी इनकम 5,10,000 हो चुकी है तो अब आपको 12,500 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, आपको पूरा टैक्स 14,500 प्लस इसके ऊपर जो सेस लगता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जी हाँ, ये है सच्चाई। तो समझिए, इनकम टैक्स लिमिट 2,50,000 से बढ़कर 5 लाख रुपए नहीं हुई है, बल्कि जो टैक्स बेनिफिट है 87A का उसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, स्लैब रेट 5 लाख रुपए तक निल नहीं हुआ है, स्लैब रेट वही है जो पहले थे, 2,50,000 तक निल, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, अगले 5 लाख पर 20%, और उसके बाद 30%। हाँ, सिर्फ 87A का रिबेट को बढ़ा दिया गया है। तो जी हाँ, ये है सच्चाई उस लिमिट की जो पार्लियामेंट में हमारे वित्त मंत्री, कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताई थी। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर कुछ बेनिफिट होता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।